हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गोवा से आए हुए आज हमें 2 दिन हो चुके हैं। एंड गोवा में भी जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कैमरा उठाऊं और ब्लॉग करूं, बिकॉज ड्यू टू कोविड घर पे कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो गई थी कि जिसकी वजह से नहीं हो पाया, मेरे से ब्लॉग हो ही नहीं पाया। और अभी भी कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं था कि मैं ब्लॉग करूँ या जो हमने गोवा में शूट करा है वो सारी क्लिप्स वगैरह भी एडिट करूँ। बट गोवा से आने के बाद मेरी खुद की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे को वीकनेस वगैरह लग रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे टेस्ट करवाने चाहिए। तो मैंने और जिया दोनों ने कोविड टेस्ट कराया एंड लकीली उसका नेगेटिव आया एंड मेरा बट कोविड पॉजिटिव आया। सो मेरा दिमाग ना चले इन सब चीज़ों के बारे में, यही सोच के मैंने दोबारा से कैमरा उठाया ताकि मेरा ये जो भी सीन चल रहा है, जो भी सिचुएशन इस टाइम दिल्ली में चल रही है और जो भी मेरे घर पे सिचुएशन चल रही है, जो भी हुआ है, उन सब की तरफ मेरा ध्यान ना जाए, इसलिए मैंने कैमरा उठाया। एंड जो भी होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। होपफुली ये टाइम भी जल्दी से निकल जाएगा एंड सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। इस लड़की की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये फिर भी बाहर नहीं जा रही। दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर, क्या आप बताना चाहेंगे? आप बाहर क्यों नहीं जा रहे जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है? तो आपके पास एंटीबॉडीज हैं। नाइस। सो टेस्ट कराने के बाद दूसरा दिन, और कल के दिन तो सिर्फ दवाई खाई है, खाना खाया, दवाई खाई है, खाना खाया और सोया, बस और कुछ नहीं। अब आज बहुत सारे काम है, पहले तो ये अपना बिस्तर खुद समेटना और थोड़ा कमरे की हालत भी बुरी हो रखी है वो भी समेटते हैं। जितना हो सक रहा है पार्टीशन कर रखा है बीच में स्टूल, बाकी सब उधर। ये लड़की तो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही, तो इसको ये गद्दा मिला है तो ये यही है। बाकी ये हमारा अपना पर्सनल डस्टबिन और वो मेरे गंदे कपड़े जो कि ये भी अभी आज धोने हैं खुद ही। बेडशीट बिछा दी इस लड़की ने 5 मिनट में एक पिल्लो कवर चढ़ाया, वैसे देख लिया सबने, तुमने भी बिछाया। एक काम कर रहा होता है दूसरा ले आओ, तो दो मास्क पहन लो, मास्क स्टीम मास्क स्टीमर लगाया था कि स्टीम लूंगा। मम्मी नारियल पानी ले आई, अब इसको कहाँ रखूँ, इसको फिलहाल यहीं पर रख देता हूँ, पहले स्टीम ले लेते हैं। यार हूँ मी एंड माई कैमरा। टाइम पे जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पॉजिटिविटी, तो माइंड को अपने पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि यही मैंने लास्ट 2 दिन में सीखा है। क्योंकि फर्स्ट दिन तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, कभी सफोकेशन हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, बिकॉज मेरा माइंड चल रहा था नॉन स्टॉप, कुछ ना कुछ। दैट्स व्हाई मैंने ब्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करी, मैंने कैमरा उठाया, तब से मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट है एंड तब से थोड़ी हालत भी ठीक ही लग रही है। सो मेन है पॉजिटिविटी, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो। जस्ट लाइक मुझे ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इस टाइम पर, तो बस यही है अपना ध्यान रखो। परसों से नीचे बैठे बैठे बोर हो गए, अब तो ऐसे लग रहा था टांगों में जान ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी फ्रेश एयर खाने और थोड़ी सी वॉक करने के लिए छत पे आ गया मैं, ये भी जरूरी है, नहीं तो टांगे बड़े बड़े बैठे बैठे सुन हो जाएंगे सारी। थोड़ी सी बस बॉडी में वीकनेस लग रही है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 घंटे सो चुका हूँ मैं, अभी भी नींद आ रही है और टांगों में ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा।
अभी अभी जैसे खाली पेट वाली दवाई खाई है, अब मम्मी चाय ब्रेड दे भी गई है ये खा के। ये तो मम्मी हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती है। जब से उठूँ पहले ब्रेड चाय, फिर नारियल पानी और अब पनीर। प्रिय आवाज कम कर दीजिए प्रिय, नहीं तो कोक स्टूडियो वाले, प्रिय इसमें कॉपीराइट आ जाता है। प्रिय बंद कीजिए आवाज, कृपया करके बंद कर दीजिए। की घड़ी में जो आप मेरा इतना साथ दे रही हैं, क्या आप मेरा काढ़ा पीने में साथ देंगी? तो आप दूसरा ले लीजिए, थोड़ी कंपनी हो जाती है। पीजिए, आप भी पीजिए ये काढ़ा। आज कौन सा दिन हो गया? हम 25 को आए थे, 25 को रात को आए थे, 26 को हमने टेस्ट कराया, 27 को रिपोर्ट आई, 27, 28, 29, 30, 43। आज चौथा दिन हुआ सिर्फ, चौथा। और हमारे हर ब्लॉग में ये पीछे देखो, या तो मुंबई का निखिल या तो फ्लाइंग बीस्ट होते थे, क्या करें। मॉडल फोर्थ है आज, 27 को रिपोर्ट आई थी मॉर्निंग में, 26, 27, 28, 29, 30, 5th डे। और ये सुबह सुबह लड़ रही है यार मुझसे, सुबह सुबह लड़ रही है लड़की। मैं लड़ सक हाँ बिकॉज शी इज 3, तो ये लड़ सकती है। क्या आपको मेरा कप चाहिए? लीजिए। सो पांचवा दिन हो गया आज, अभी अभी जस्ट टी पी है टी, एंड अब दवाइयाँ खानी है फिर से। ऐसे ही दिन निकले जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और जया को पका रहे हैं और ये मेरे को पका रहे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को पका रहे हैं। तो आज बनी है खाने में सोयाबीन की सब्जी एंड रायता एंड रोटी। ऑल दो मुझे कोई टेस्ट आ नहीं रहा, वेट कर रहा हूँ मैं कब मेरा टेस्ट वापस आएगा। मैं जो भी खा रहा हूँ बस खा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा क्या खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, बस खा रहा हूँ। तो 6th डे का अपडेट ये है कि थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट वापस आ चुका है, बट स्मेल का कोई अता पता नहीं है। स्मेल पता नहीं कहाँ क्या पता होगी है, वो पता नहीं कब आएगी। हाँ बट गुड न्यूज़ ये है कि टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा वापस आ चुका है, दवाइयाँ भी ऑलमोस्ट सारी ख़त्म होने वाली है। सो होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से रिकवर कर जाओ। एक तो ये साला दाढ़ी बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा, या तो क्लीन शेव ही कर दूँ इसको। बाबे वाली फीलिंग आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी, अपने आप से देख के अपने आप को। ये तू पिएगी? ये तेरे लिए बना स्पेशल ब्लैक कॉफी, ये ले। तेरा कहाँ है यार? अपने लिए लाई नहीं, मेरे लिए तो लेकर आती। फिर यू हैव एंटीबॉडीज़?